Hi guys, I'm Harshad and I've been given the job to make you laugh, which makes me your Sasta Mr. Mason. Woo! Now I don't know who or what gave auntie and uncle the confidence कि मैं ये काम कर सकता हूँ आपको हंसाने का. I think उसका एक बहुत बड़ा reason है सान्या जो मेरी कहीं भी किसी बात पे भी हंस सकती है. So उनका feedback लोग थोड़ा खराब है. But उसी वजह से मैंने मेरी मम्मी, मेरी बहन और सान्या को सामने सामने रखा है ताकि मतलब इतना मैंने देखा है कॉमेडी में कि मतलब चाहे कपिल शर्मा भी हो ना अपनी तरफ से दोनों हमेशा लाने का जो हंसेगा. ठीक है, तो ये मेरे वो तीन लोग हैं. ठीक है, नाउ सो ऑल आई होप टुडे इज कि आप लोग में से एटलीस्ट कुछ लोगों का सेंस ऑफ ह्यूमर इनके जितना बुरा हो. ठीक है, या फिर आपकी ड्रिंक्स मेरी जितनी स्ट्रांग हो. ठीक है, आइदर ऑफ द टू शुड हैव. सो अब मैं स्टार्ट करता हूँ. ठीक है, तो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ. Hi, I am fat. I mean, let's accept it. मेरा एक्ट आपको चाहे जितना भी फनी लगे, आप रात को बेड पे ऐसे पेट पे खुजगुजाते हुए बोलोगे यार वो मोटा वाला लड़का था बहुत फनी. So, yeah. देखो मैं ज्यादा फनी तो नहीं हूं पर मेरी कॉलेज डिग्री के सारे ग्रेड्स को अगर टोटल कर दो फिर भी मेरा BMI ज्यादा था. तो इंजीनियरिंग से बेटर तो यही था. हर मोटे इंसान के पास इतना मटेरियल तो होता है कि वो एक आधी ड्रंक ऑडियंस के लिए 5 मिनट फ्री में तो परफॉर्म कर ही दे. स्पेशली जब वो पार्टी उसकी घर की हो, है ना? मतलब हाँ, एक से ना एक लाइन छोड़ गया पिछले बीच में. हाँ, सो हियर आई एम आफ्टर 24 इयर्स ऑफ वर्क एक्स. ठीक है, इतना वर्क एक्स आपको अपनी जॉब में नहीं हुआ जितना मुझे मोटापे में. ठीक है, मतलब एक और साल तक अगर ये कम नहीं हुआ तो अगले साल मेरी यहां पे 25th एनिवर्सरी होगी मेरी त्योद के साथ. तो वैसे व्हाट डू यू थिंक इज द सैडेस्ट पार्ट? मतलब वैसे देयर आर नॉट टू मेनी सैड पार्ट्स, काफी अच्छी बात होती है. ठीक है, फैट होना इतना कुछ बुरा नहीं है. लेकिन गाड़ी भैया BMW हो या जेन हो, लोग चाहे 3 हो या 30 हो, आपको हमेशा आगे वाली सीट मिलती है. तो मोटा होना इतना बुरा भी नहीं है. बट व्हाट डू यू थिंक इज द सैडेस्ट पार्ट ऑफ बीइंग फैट? टेक अ गेस. आज तक नहीं सोचा. क्या नहीं मिलती? गर्लफ्रेंड नहीं मिलती. अरे इतनी अच्छी वाइफ मिली, गर्लफ्रेंड किसको चाहिए? ठीक है, तो अग्री, ये सब छोटी मोटी प्रॉब्लम्स है. बट आई थिंक सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज आपको एक अच्छा निकनेम नहीं मिलता. मोटे, गेंडे, हाथी, मतलब सब कुछ बाय डिफॉल्ट आपको मिलते हैं. बट नॉट फ्रॉम पीपल हु लाइक यू, लाइक पीपल लाइक योर बेस्ट फ्रेंड, पीपल लाइक योर पेरेंट्स, दे लाइक यू फॉर द पर्सन यू आर. So they call you Motu. Go Lu. Because you see, that's the thing about words ending with U. They're automatically cute. Janu. Nonu. Babu. Bacha galti kare to Ghomchu. And so on. But you know, I have recently started working out. Theek hai? And guys, taali yahan bajni chahiye. I have recently started working out. I have lost some weight. Theek hai? ये बस एक ट्रैकर है जो बता रहा है कि मैंने 9 किलो कम किया. ठीक है, 9 किलो टाइमलाइन डजंट मैटर, डेटा मैटर्स. एंड कुछ लोग होते हैं ना उनको एक्साइटमेंट होगी, चलो पतले हो जाएंगे तो अच्छे कपड़े आएंगे, टिंडर पे मैच आ जाएंगे. मेरे को एक्साइटमेंट है नया निकनेम आएगा. कुछ आई वॉन्ट टू सी वॉट यू ब्रिंग एज अ निकनेम नाउ दैट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लूजिंग वेट. एनीवन एल्स हु हैज लॉस्ट सम वेट इन द लास्ट few months, like give me a cheer. अरे बाकी भी कर दो, मैं कौन सा तुम्हारा hashtag after before ढूंढूंगा यार. hashtag my body is my temple. hashtag self care. मैं नहीं ढूंढूंगा. सब एक बार like shout out for yourself. video में लगेगा मेरे लिए बता देते. ठीक है, तो I think सबने ये सुना होगा कि the best measure of your weight loss is an old jeans that did not used to fit you. कि अब अगर वो पुरानी जीन्स आ रही है तो मतलब कुछ वजन कम हुआ है. हाँ कि ना? यस. बोलो. ठीक है, हाँ. बट आई थिंक इट्स रॉन्ग. मुझे लगता है कि बेस्ट मेजर मैं बता सकता हूं, अगर जब किसी लड़की की मम्मी अपनी बेटी को आपके साथ भेजने से पहले पूछे और कोई भी है या सिर्फ तुम दोनों हो, तब आपने वजन कम किया. क्योंकि आज तक मुझे लगता था आंटी को उसमें कितना ट्रस्ट है, बट आंटी को बेटी भी ट्रस्ट था कि इसके लिए तो पक्का नहीं लड़केगी. तो गाइस दिस इज वेरी न्यू.
The first time I asked somebody's parents, हाँ हम लोग जाएंगे, सिर्फ तुम दोनों जाएंगे. हाँ, आज तक तो problem नहीं हुआ था, मैं किसी third wheel को ढूंढ रहा हूँ. This, so basically all of this is a part of a bigger set which I got myself on being fat. Like ये पूरा comedy set is based on that, ठीक है? And मैंने चीजें ली, लोगों को हजम नहीं होता कि कोई मोटा कैसे हो सकता है. Like it comes as an exception. Like अगर आप मोटे हो तो लोग आपसे काफी question, like they have this back of the mind questionnaire which they bring. Like सबसे पहले वो ऐसा timeline clear कर लेते कि अच्छा, और इसे बहुत धीरे से आवाज़, अच्छा आप अभी मोटे हो या पहले से मोटे हो? नहीं पहले से, मतलब कभी चिंता नहीं ज्यादा. अच्छा ठीक, अब timeline clear हो गया, तो अगली आया कहाँ से? तो अच्छा आपके मम्मी पापा भी मोटे हैं या सिर्फ आप? मैंने कहा तो कभी किसी पतले इंसान को देख के ऐसे बोला है कि तू सिर्फ अभी पतला था या हमेशा से? सो हाँ, एक लास्ट आई थिंक सेगमेंट है, नहीं दो सेगमेंट है लास्ट. वन इज सो माय मॉम इज सिटिंग हियर एंड मेरी मम्मी को एक्चुअली किसी भी कॉन्वर्सेशन को मेरे मोटे और पतले होने से लिंक करना आता है. मतलब अगर लाइफ में कुछ अच्छा हो, लाइक बहुत कुछ सही हो गया, लाइक बहुत सही है, अब तो बस तू पतला भी हो जा, फिर तो सब सही है. This was my mom when I was doing well in life. Then I lost some money in shares, which is regular. People try and take risks. Clearly, I wasn't very good at it. So I'm like, बस बोला था तुझे पतला हो जा. I like मुझे stocks के बारे में नहीं पता, but इतना जरूर पता कि मेरे मोटे होने से नहीं चलते stocks. So yeah. अच्छा अब last segment ना. लास्ट सेगमेंट का क्रक्स इज कि मैंने अभी फाइट मारना क्यों चालू किया. आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट हाँ, कि मैंने अब क्यों स्ट्रगल चालू की वेट लूज करने की. तो लोगों को लगता है कि अच्छा इसको इंट्रो हुआ कि कुछ ठीक है, सेल्फ केयर ठीक है, हैशटैग माय बॉडी माय टेंपल. तो बट मैंने रियलाइज किया कि एक ना बर्म्यूडा ट्रायंगल होता है. अच्छा बर्म्यूडा ट्रायंगल किस किस को पता है? ठीक है थोड़े लोगों को पता है, बाकी लोगों को पता है. तो बर्म्यूडा ट्रायंगल कहीं पे, मतलब मेरे को नहीं पता, वो भी पता लग जाएगा, बट बर्म्यूडा ट्रायंगल एक ट्रायंगल है अपेरेंटली कहीं पे ऑन द ग्लोब कि उसके ऊपर से प्लेन जाता है तो डूब जाता है. दिस इज द मिनिमल एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट थिंग. ठीक है कुछ तो है वहां पे ग्रेविटी शाविटी. ठीक है तो मैंने लाइफ में लोनली होने का बर्म्यूडा ट्रायंगल ढूंढ लिया. ठीक है एक एंड पे है बाल ना होना, एक एंड पे है मोटा होना, और एक एंड पे है छोटा होना. आप कभी भी ना इनमें से कोई दो हो सकते हो. अगर आप तीनों हो गए ना तो आपके लग जाएगा. Thank you so much. That was my time. ये बहुत मजा आया था. Handing it over to people who dance and no dancing.